सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो के अंदर कई दूसरी सुविधाएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जब किसी ट्रेन को लाना होता है या हम कह सकते हैं डिब्बों को खींचना होता है तो एक खास तरीके का वाहन है, इसको रोड कम रेल व्हीकल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यह जो वाहन है अपने आप में खास है। खास इसलिए है क्योंकि जब डिब्बों को खींचना होता है तो अमूमन क्या होता है कि आपको इंजन चाहिए, लेकिन इंजन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं रह जाती है क्योंकि यह RCRV खुद खींच ले सकता है पूरी की पूरी ट्रेन को। 600 टन वजन खींचने की कैपेसिटी है। और यह वाहन क्यों खास है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली डिवीज़न के ADRM हैं विक्रम जी। आइए हम विक्रम जी से सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यह वाहन क्यों इम्पोर्टेंट है। विक्रम जी, ये वाहन देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन काम जो है कुछ अलग है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसकी कैपेसिटी 600 टन है। जो वंदे भारत का एक कोच होता है वो 56 से 58 टन का होता है। तो जनरली अगर हमें पहले ज़रूरत पड़ती थी इस किसी रेक को खींचने के लिए तो हमें लोकोमोटिव की आवश्यकता पड़ती थी। ये भी शकूर बस्ती TSD की खास बात है कि उन्होंने इस वाहन को प्रिक्योर किया है जिसमें हमारी लोकोमोटिव को शंटिंग कराने के लिए अब हमें उतनी ज़रूरत नहीं रही है। जो छोटी मोटी शंटिंग होती हैं शकूर बस्ती TSD यार्ड में वो इसी वाहन के द्वारा हो जाती हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो खास किस्म की वैसे अरेंजमेंट दिया हुआ है जैसा मेरा एक लोकोमोटिव में होता है। अगर देखेंगे ये सामने एक कपलर है, ये कपलर अगर आप उधर दिखाएंगे अपने कैमरामैन को बोलेंगे तो वो जो कपलर आपको सामने काला नज़र आ रहा है उस कपलर में जाके फिट हो जाता है। ऐसे ही जो है एक दूसरी आवश्यकता होती है ट्रेन को खींचने के लिए ब्रेकिंग पावर देना, तो इसमें ब्रेकिंग पावर के लिए भी हमने जो है फील्ड पाइप और ब्रेक पाइप का व्यवस्था कर रखी है। तो ये जो हमारी इंजन की आवश्यकता होती है उसको ये जो है एक तरीके से शकूर बस्ती शहर के लिए उसने बिल्कुल नील कर दी है। अब हमें जो है लोकल शंटिंग कराने के लिए हमें लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं होती है। ये कॉस्ट सेविंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है हमारे। तो यहाँ पर आप समझिए नई टेक्नोलॉजी और नए वाहन का भी यहाँ पर इस्तेमाल है। और आपको हम यह खास वाहन इसलिए दिखला रहे हैं क्योंकि देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन ये 600 टन वजन खींच सकता है, यानी एक पूरी की पूरी ट्रेन को खींच कर इधर से उधर ला सकता है। इसकी एक और खासियत है, यह अपनी जगह पर 360 डिग्री में मुड़ सकता है, पूरा घूम सकता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यह रोड पर भी चलता है साथ ही साथ यह ट्रैक पर भी चलता है, तो इसके लिए उसमें खास तरीके के पहिए लगे हुए हैं। इस तरीके के वाहन हमने पहले भी आपको दिखाए हैं कि किस तरीके से एक ही ट्रैक पर दोनों तरीके के पहिए काम करते हैं। तो जब रोड पर चलना हो तो रोड पर चलिए, और जब ट्रैक पर चलना हो तब ये वाहन ट्रैक पर चलता है। और यहाँ सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो की बात करें तो इसका खास इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो दिल्ली।